चालू वर्षे कमोसमी वरसाद अने वावाझोड़ाथी कपासनुं उत्पादन पण घट्युं, तेवामां हवे तैयार पाकनो सारो भाव न मळता खेडूतोमां निराशा। कपासना भाव रूपया 2000 सुधी करवानी खेडूतोनी मांग। राजकोट शहरनी जीवादोरी समान आजी डेम अर्धो खाली थयो, मनपाए आजी अने न्यारी डेम माटे 2400 एमसीएफनुं पाणी सरकार पासे मांग्युं। અને હવે આપણે સીધા લઈ જઈશું એકતાનગર ખાતે, જ્યાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા છે, જિનકે યોગદાન કો આઝાદી કે બાદ ભી ભુલાયા નહીં જા સકતા, ઓર ઉન્હે ભારત કા લોહ પુરુષ, ભારત કા બિસ્માર્ક જિસ તરહ સે કહા જાતા હૈ, યુવાઓ કા અપમાન કરને વાલે સાથ હી સાથ અન્યાય કે વિરુદ્ધ ખડા રહેને કી જો એક વિશિષ્ટ હમ માન સકતે હૈ ઉનમે ક્વોલિટી થી, જિસકો લગાતાર ઉન્હોને ये कहा कि कैसे भारत को डायलॉग के जरिए, कूटनीति के जरिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के जरिए एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सोशल मीडिया एक्स पर भी अपने विचारों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित की, और आज उनकी 48वीं जयंती है। प्रधानमंत्री यहां श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, ये अद्भुत और विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात जो कि एकता नगर, और ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, पुष्पांजलि सीधे आसमान से हेलीकॉप्टर्स के जरिए विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम, राष्ट्र की ओर से, कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उस तपस्वी को एक नमन पुष्पांजलि के तौर पर, ये देखिए अद्भुत विहंगम दृश्य। बिल्कुल, और जिस तरह से पंक्तियों के जरिए हम लगातार उनके वक्तव्यों को, कथनों को, उनके विचारों को आपसे साझा कर रहे हैं, तो हृदय कोमल आवाज में सिंह सी दहाड़ थी। भारतीय राजनीति के प्रखंड विद्वान थे, शत शत नमन ऐसे महान व्यक्ति यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि भारत की आन बान और शान थे, यानी कि जो दर्जा इतिहास ने कहीं ना कहीं देने में चूक की सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उनका सही जो मायना है उसे खोजते हुए यहां तक लेकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी बात का प्रतीक है, जिसकी तस्वीरें आप डीडी न्यूज के मंच के माध्यम से यहां देख पा रहे हैं। और इसी विश्वास के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री की, कैसे जब हम बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो कोई कॉपीराइट नहीं है, उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा था ये एकता का प्रतीक है जो समावेशी, सुदृढ़ भारत के सर्वांगीण विकास का एक परिचायक है, और इसीलिए ये वो रास्ता प्रशस्त करता है जब हम बात करते हैं उस स्वर्णिम काल की, हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, हम बात करते हैं अमृत काल की, और अमृत काल में आज जिस तरह से मेरी माटी मेरा देश अभियान उसका समापन है, उसी का एक प्रतिरूप ये कार्यक्रम भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये अद्भुत और अद्वितीय प्रतिमा, प्रतीक देश की एकजुटता का, प्रतीक देश में अनुशासन का, अनुशासन राष्ट्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, और अंत में व्यक्ति के स्तर पर, कैसे हम राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण रखने के लिए एक व्यक्ति के तौर पर, एक समाज के तौर पर अपना योगदान दे सकते हैं, उसकी एक अद्भुत मिसाल, एक अद्भुत असाधारण व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके व्यक्तित्व की वजह से ही उनको लौह पुरुष कहा गया, जिन्होंने 550 से ज्यादा रियासतों को भारत के संघ में मिलाने का कार्य किया। आज हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जो कुछ भी सरदार पटेल ने देश को दिया, हमें दिया, हम उसकी रक्षा कर पाए, सुरक्षा कर पाए, संरक्षा कर पाए। बिल्कुल, और हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां याद आ रही हैं इस वक्त कि ये प्रसिद्ध लौह पुरुष प्रबल, ये प्रसिद्ध शक्ति के शिला अटल, हिला इसे सके कभी न शत्रु दल, पटेल पर स्वदेश को गुमान है। और ये गुमान कहीं ना कहीं एक अहम जिम्मेदारी के साथ साथ हमें हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि कैसे भारत को, भले ही हम सॉफ्ट पावर के जरिए
चाहे हम बात करें तमाम अलग अलग मंचों पर हम एक तस्वीर में देखते हैं, लेकिन भारत हमेशा एक समाधान पहुंचाने के तरीके से लोगों के साथ, देशवासियों के साथ साथ अन्य देशों के साथ भी खड़ा हुआ है। और इसीलिए देश का युवा हो या फिर महिलाएं या फिर पुरुष, वो सभी एकता के सूत्र में लगातार आगे चलते हैं। और ये आह्वान है उन युवाओं के लिए कि वो इस संघर्ष को समझें, इस स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान को सर माथे से नवाजें कि किस तरह से आज जिस स्वर्णिम भारत में वो रह रहे हैं, जिस आजाद हवा में वो सांस ले रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमेशा रहेगा। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी न केवल प्रतीक एकता का है, बल्कि ये प्रतीक है कि कैसे भारत का कद वैश्विक पटल पर और भारत किस तरह से अपना डंका तमाम उन क्षेत्रों में उठा रहा है